नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और आपका अपने YouTube चैनल अमोली फ्रेंड्स का अपने हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहानी जो दिल को छू जाए, मैं आपको कहानियां सुनाता हूं जो कहानी में दिल को छू जाए। आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है इन बातों को समझना, क्योंकि आज के दौर पे लोगों के अंदर आज भी इतने भाग दौड़ भरे समय पे भी लोग अभी भी उन बातों को लेकर रखे हैं, किस्मत पर विश्वास करते हैं कि किस्मत होती है, किस्मत ही सब कुछ करती है। मानता हूँ किस्मत होती है, लेकिन बिना किए किस्मत भी साथ नहीं देती और भगवान भी साथ आपको नहीं देता। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उस गांव पे एक साधु बाबा रहा करते थे। बहुत ही लोग उनकी मान्यता थी कि बहुत अच्छे हैं वो और उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है इन सारी बातों को। तो साधु बाबा एक नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ करके वो ऊपर वाले की भगवान की आराधना में लीन रहते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत तेज से बारिश होने लगी, बहुत ज्यादा बारिश, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बारिश होती ही रही लगातार। लेकिन वो साधु बाबा वहीं पर बैठे ईश्वर की आराधना में लीन रहे। फिर धीरे धीरे बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आना शुरू हो गई। गांव में बाढ़ आने लगी, लोग अपने घर को छोड़ छोड़ करके ऊंचाई वाले स्थानों में जाने लगे, कुछ लोग पहाड़ों में जाने लगे, कुछ लोग दूर किसी ऊंचे मकानों में जाने लगे, लेकिन वो साधु बाबा वहीं पर बैठे थे। गांव के बहुत सारे लोग उनके पास गए कि बाबा जी हमारे साथ चलिए, हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है और आप डूब जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने एक न सुनी, उन्होंने कहा कि ऊपर वाला सब मेरी रक्षा करेगा, ऊपर वाले के मैंने भगवान की बहुत उपासना की है, मैं उनका सच्चा सेवक हूँ, वो हमारी रक्षा करेंगे। और ये कहकर के उन्होंने गांव वालों को वहां से वापस कर दिया। इसके बाद बाढ़ बढ़ती चली जा रही थी और पानी जो स्वामी जी बैठे थे, बाबा जी बैठे थे, उनके गर्दन तक पहुंच गया। केवल उनका गर्दन का हिस्सा खुला हुआ था। इसी बीच नदी से वहां से एक नाव लेकर के कुछ लोग जा रहे थे। उन्होंने आवाज दी कि स्वामी जी हमारे नाव पे बैठ जाइए, हम आपको ले जाते हैं क्योंकि यहां पर आप डूब जाएंगे। लेकिन स्वामी जी ने एक ना सुनी, उन्होंने फिर से वही कहा, बच्चा तू चिंता मत कर, ऊपर वाला मेरी रक्षा करेगा, मैं उनका बहुत बड़ा सेवक हूं। लोगों ने बहुत बोला लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं समझा और वहां से वो नहीं गए। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया वापस। अब जब पानी सर के ऊपर हो गया तो स्वामी जी को लगा कि वो डूब जाएंगे। वो उठे और जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उस पेड़ के ऊपर चढ़कर जाकर भी ऊपर वाले की आराधना करने लगे, हे ईश्वर, उसकी उपासना करने लगे कि मेरी रक्षा करो। जब बारिश कुछ थमी तो बचाव और राहत दल के लोग आए और उन्होंने वो हेलीकॉप्टर लेकर के, एक बचाव राहत दल का हेलीकॉप्टर उस पेड़ के ऊपर से गुजरा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ है। उन्होंने ऊपर से एक रस्सी फेंकी और बोला, हे बाबा जी, इस रस्सी को पकड़ लीजिए और हमारे साथ आ जाइए, हम आपकी यहां से आपको बचा कर ले जाएंगे। लेकिन बाबा जी के मन में तो वही बात थी, ऊपर वाला मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने उस व्यक्ति से बोला, तू बच्चा जा, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने भगवान की बहुत उपासना की है, वो मेरी रक्षा करेगा। और वो बचाव राहत दल वाले लोग वहां से चले गए। अब जब कहीं बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो पेड़ों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। उस पेड़ की जड़ों से भी पानी का बहाव बहुत तेज था नदी का और उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी। धीरे धीरे करके वो पेड़ हिलने लगा, हवा तेज चल रही थी और वो पेड़ टूट करके गिर गया। स्वामी जी नदी में गिर करके डूब गए और मर गए। जब वो ऊपर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने तेरी जीवन भर रक्षा की, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, क्या फायदा तेरी ऐसी सेवा करने का। मैंने तेरे बारे में तेरी उपासना की, पूजा की, मैं दिन रात तेरी उपासना में लीन रहता था, फिर भी तूने रक्षा नहीं की। भगवान ने कहा, वत्स, मैंने तेरी रक्षा की, एक बार नहीं, मैंने 3-3 बार प्रयास किया, 3 बार मैं अवसर बनकर तेरे पास आया लेकिन तूने नहीं समझा। पहली बार मैं ग्रामीणों के रूप में गया तेरे पास, दूसरी बार उस नाव के रूप में नाव में बैठ करके गया, तीसरी बार हेलीकॉप्टर में बचाव एवं राहत दल के रूप में गया, लेकिन तूने उन सबको स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन पे
बहुत अवसर आते हैं बार बार, बहुत अवसर बार बार आते हैं, लेकिन हम उन अवसरों का लाभ नहीं उठाते। हमको लगता है सब अपने आप हो जाएगा, जो हमारी किस्मत में होगा हो जाएगा। किस्मत कुछ नहीं होती दोस्तों, किस्मत अपनी खुद बनानी पड़ती है। तो किस्मत बनाने के लिए आपके पास बार बार अवसर आते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, बचपन में बोला जाता है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते। आपके पास उसके बाद भी अवसर आते हैं, आपके पास अच्छी बहुत सारी अच्छी जानकारियां आती हैं कि आप इस तरीके से ये करेंगे तो आप अपना व्यापार अच्छा कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हम ये सबका सोचते हैं जो हमारी किस्मत में अगर होगा तो हम करेंगे, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते। आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का आप लाभ नहीं उठा पाते। तो अपॉर्चुनिटीज ही हमारे लिए अवसर बन के आती हैं, वही हमारी किस्मत होती है। और जिस व्यक्ति ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया वो उस नाव से पार हो जाएगा और वो बच जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।